तो ये हैं सारे वाइनल्स, तो इसको आयरन ऑन वाइनल्स भी बोलते हैं, एवरीडे वाइनल भी बोलते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए और वीडियो एंड तक जरूर देखिए। करते हैं आज के नए व्लॉग की शुरुआत, लेकिन प्रभु का नाम बोलो जय सी राम। ओके गाइस, तो अभी हम जा रहे हैं माइकल्स एक क्राफ्ट स्टोर है जो पहले भी मैंने अपने व्लॉग्स में दिखाया। तो मुझे थोड़ा बहुत सामान लेना था दीपिका के लिए, क्योंकि वो घर पे बैठी होती है और बोर हो जाती है, इसलिए हमने कहा थोड़ा सामान ले लेते हैं आर्ट क्राफ्ट का। तो उसको आर्ट क्राफ्ट का बहुत शौक है, इसलिए अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं और थोड़ा बहुत आर्ट क्राफ्ट का सामान लेंगे शर्ट शूट बनाने के लिए और पेंटिंग वगैरह के लिए। तो वही सामान लेने अभी हम सुबह सुबह जा रहे हैं और 9 बजे स्टोर खुलता है, अभी टाइम हो गया 11 बज गए हैं। तो फटाफट हम जाके और सामान वगैरह लेके आते हैं, फिर आर्ट क्राफ्ट का कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट बनाएंगे। ओके गाइस, तो अभी हम आ गए हैं माइकल्स, चल चलते हैं। आज रश नहीं है, सुबह सुबह इतना रश नहीं होता, तो फटाफट जो 2-3 चीज़ें लेनी है वो लेते हैं और फिर घर जाके कुछ क्राफ्ट का सामान क्राफ्ट बनाते हैं, छोटे छोटे बनाएंगे, नहीं तो पेंटिंग वगैरह का कुछ सामान बना लेंगे। तो ये हैं सारे वाइनल्स, तो इसको आयरन ऑन वाइनल्स भी बोलते हैं, एवरीडे वाइनल भी बोलते हैं। तो इसको आप शर्टों को वगैरह पे प्रिंट कर सकते हो। और ये चाहिए होती है आपको प्रेस, ये कई तरह की प्रेस, बड़ी छोटी बड़ी, मीडियम साइज़ सबसे बड़ी और उससे बीच वाली। तो ये प्रेस होती है जो कि आप शर्टों के ऊपर डिज़ाइन बना के इसके साथ प्रेस कर सकते हो। और जो डिज़ाइन बनते हैं वो इन मशीनों से बनते हैं, जिसको बोलते हैं क्रिकेट। आप देख सकते हो कितनी तरह की पड़ी हैं। और अभी ये सेल पे चल रही है, यूजली $227 की होती है और 169 की चल रही है ये मशीन। बट इनसे इस ये वाइनल इसमें जाता है, इस पर आप डिज़ाइन बनाते हो और वो जो आपको मैंने प्रेस दिखाई उससे आप प्रिंट करके शर्ट के ऊपर प्रेस कर सकते हो। तो ऐसा पूरा सर्कल चलता है, बढ़िया चीज़ है। तो गाइज़ ये पड़े हैं ओरेकल 651, तो ये किस काम के आते हैं, इस चीज़ों के लिए। तो ये एक तरह के स्टिकर्स होते हैं, ये मग पे भी लग जाते हैं, वॉल पे भी लग जाते हैं, कार के स्टिकर्स हम बोल देते हैं, आउटडोर साइन के लिए, ग्लास वेयर के लिए। तो ये सारे ये शीट्स पड़ी हैं और ये पूरे रोल्स पड़े हैं। तो आप वही मशीन से आप इन पे स्टिकर्स वगैरह भी निकाल सकते हैं, अपने नाम का कुछ ऐसा स्टिकर लगाना है, फ़ोन के पीछे लगाना है, किसी प्लेट पे लगाना है, किसी शैडो बॉक्स पे लगाना है, ग्लास पे लगाना है। तो ये उस चीज़ों के काम पे आते हैं। तो ये उतरते बिल्कुल नहीं है, ये पूरी ग्लू इन पे बहुत बढ़िया होती है, तो इसी ये स्पेशली इसी के लिए बने होते हैं। तो आप वही मशीन से प्रिंट आउट निकालो और किसी भी चीज़ पर आप लगा सकते हैं। ये सारे पड़ी हैं शर्ट्स, तो कोई भी शर्ट आप कोई भी सिलेक्ट साइज कर सकते हो, जैसे कि आपको लार्ज में चाहिए, मीडियम में चाहिए, ब्राउन में चाहिए, वाइट में चाहिए, पर्पल में चाहिए, ब्लू में चाहिए, ग्रीन में चाहिए, ऑरेंज में चाहिए, रेड में चाहिए,
किसी में भी चाहिए तो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो और अपने आप शर्ट बना सकते हो। इजी काम है ये, बट मेहनत पूरी लगती है, देखने में इजी होता है। अभी मैंने बोल दिया इजी है, बट है इतना इजी नहीं होता, क्योंकि डिज़ाइन को और वीडिंग में बहुत मुश्किल आती है, बहुत बारीकी का काम होता है। तो हमने काम किया हुआ है तो हमें पता है, हम इजी बोल देते हैं, बट अगर आप न्यू हो तो थोड़ा टाइम लग जाता है सीखने में, बट फिर एक बार आपको आ जाए, हर चीज़ ऐसी होता है कि अगर आप तो नहीं नहीं कर रहे हो तो थोड़ा टाइम लग जाता है, बट अगर एक बार आ जाए तो आपको ईजी लगनी शुरू हो जाती है। बट उससे निकल के हम यहाँ पे आते हैं और ये देखो गाइस कितनी सारी शर्टें पड़ी हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सामान हमने ले लिया, चेकआउट भी करा लिया और अभी हम निकल रहे हैं घर की तरफ। मैं काम भी करने वाला, थोड़ा बिजी चल रहा आजकल स्केड्यूल, इस जुलाई अक्टूबर में थोड़ा बिजी हो जाता हमारा स्केड्यूल और इसीलिए व्लॉग थोड़ा कम आ रही है, बट कोई बात नहीं, आ तो रही हैं, यही चलना चाहिए। और अभी हम जाने हैं घर, तो घर चलते हैं और फिर कुछ काम वगैरह करते हैं। ओके गाइस, तो हम लेके जा रहे हैं अपनी BMW को, किसी काम से जा रहे हैं, वो मैं आपको काम मोटो व्लॉग करते करते बताता हूँ कि कहाँ जा रहे हैं। तो 3-4 दिन हो गए हैं बाइक को चलाया नहीं, ऐसी खड़ी हुई है और बिजी भी बहुत स्केड्यूल चल रहा है, जॉब का भी बहुत स्केड्यूल बिजी चल रहा था, इसलिए टाइम ही नहीं मिला। बट अभी थोड़ा टाइम मिला तो अभी हम जाएंगे मोटो व्लॉग करने। हमने अपना हेलमेट, GoPro और ग्लासेस लगा लिए हैं, ग्लव्स पहन लेंगे चलाते चलते। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ जा रहा हूँ, थोड़ा काम से ही जा रहा हूँ और चलिए मोटो व्लॉग की व्लॉग को शुरू करते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं, पहले गियर पे हैं, भूल जाता हूँ कि गियर में थी, तो अभी गियर निकालते हैं। न्यूट्रल पे आ गई। ओके, तो कोल्ड स्टार्ट हुई है, कोल्ड कह लो हॉट कह लो, क्योंकि गर्मी तो वैसे पड़ रही है, बट फर्स्ट स्टार्ट है आफ्टर 3-4 दिन के बाद। तो 1-2 मिनट मैं रन करने दूंगा, थोड़ा इंजन स्टार्ट हो जाए, गर्म हो जाए, फिर हम लेके जाएंगे इसको। तो हम निकल गए हैं अपनी मोटो व्लॉग पे और काम हमें सारस को देखने जा रहे हैं, क्योंकि सारस 3-4 दिन पहले अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर चला रहा था और चलाते चलाते वो गिर गया, गिरते गिरते उसकी बाजू पे चोट लगी और बाजू पे चोट लगने से उसकी जो एल्बो होती है उस पर थोड़ा फ्रैक्चर आ गया। तो उसको हम हॉस्पिटल लेके गए थे 3-4 दिन पहले, तो उन्होंने एक्सरे किए और बोला कि थोड़ा फ्रैक्चर आया है, हेयरलाइन फ्रैक्चर बोला, जैसे हम इंडिया में बोल देते हैं कि दबाव आ गया, तो उसकी बाजू पे थोड़ा दबाव आ गया। अभी हम जा कर देखते हैं कि उसकी हालत क्या है, क्योंकि उस टाइम तो उसको पेन हो रही थी। अब मैंने कल बात की थी तो कल तो ठीक कह रहा था कि मैं ठीक हूँ, बट अभी हमने कहा कि चलो वहीं पे जाके उसको देख भी लेते हैं और पूछ भी लेते हैं कि क्या हाल चाल चल रहा है उसका। हमें अपनी डीलरशिप पे भी आना है, क्योंकि हमें एक दो काम है यहाँ से, और बोल रहा था बंदा कि मुझे मिल के जाना, तो हम इसको भी मिल जाएंगे और एक दो जो काम करवाने वाले हैं बाइक के, थोड़ा बहुत काम करवाने वाला वो भी करवा लेंगे। तो आज नहीं, कल या परसों तक देखते हैं, गाड़ी यहाँ पे भी मार के जाते हैं और देखते हैं इनके पास क्या क्या नई इन्वेंटरी आई है। ओके फ्रेंड्स, तो हम आ गए हैं और सारस ऊपर खड़ा, उसको हम नीचे बुला लेते हैं, आ जाओ सारस, और देखते हैं कि क्या हिसाब है, क्योंकि आज इसको इंडिया में प्लस्तर बोल देते हैं और कास्ट लगा था तो ये लगा हुआ है। सारस कैसा लग रहा है? पेन हो रही है? Yes. कितनी पेन हो रही है? 9? Yes. अच्छा, तो कैसे लगी थी, इधर आके मुझे बता, सबको बता कैसे लगी थी चोट। Okay. Electric scooter and falling. That's all. So how does it happen? How did it happen? I was driving my electric scooter. Okay. It got out of control, so I jumped in the grass. Okay. But I think I got a little angry. It got like. So you jumped, तो तूने स्कूटर चला रहा था और स्कूटर से तूने जंप मार दी। जंप मार? It was out of control bike. Because it was too fast. इधर आ, इधर। It was a little too fast. अच्छा, तो फिर? Then it was near. And you fell on the ground? Fell on the ground. तो तेरी बाजू पे दबाव आ गया लग? How did my pain happen? Okay. I was playing with my
Okay. With my electric scooter, he had his own electric scooter. Okay. I got out of control. My bike got a little too fast and got out of control. Okay. I fell down. My friend helped me up, picked up our scooters, and I went inside the house. Okay. So I couldn't open the door, so I had to ring the doorbell. Oh, cha cha. तो फिर ऐसा हुआ था फ्रेंड्स कि ये अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूटर चला रहा था और इसका स्कूटर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और इसने छलांग मार दी, स्कूटर इसका नीचे गिर गया और ये ज़मीन पे घास पे इसने छलांग मार दी, तो इसके बाजू के ऊपर इसने दबाव आ गया पूरा और इसके फ्रेंड ने इसकी हेल्प की और घर पर जाकर इसने डोरबेल की, तो डोरबेल इससे डोर खुल नहीं रहा था, तो इसके फ्रेंड इसका स्कूटर ऊपर लेके आया और इसकी पूरी तरह हेल्प करके इसको घर पे छोड़ के गया। तो यहाँ का बच्चे भी ऐसे होते हैं कि ये एक दूसरे की बहुत हेल्प करते हैं और इसका फ्रेंड ही था जिसके साथ खेल रहा था, इसका नेबर ही है। तो बट अब देख नेबर स्कूल में जाता तेरे ही गोस टू स्कूल। ओके तो गाइस देखो, जैसे इंडिया में प्लास्टर बन जाता है वैसे ही प्लास्टर है, जैसे वो तो सीमेंट वाला होता है, ये पूरी पट्टी जैसी है बट ये बहुत हार्ड है पट्टी, तो मतलब पूरी टफ की हुई है। तो अभी मुझे बता रहे थे कि एक हफ्ते में इसका दोबारा एक्सरे होगा, तो अभी बता रहे थे कि एक हफ्ते में इसका पूरा एक्सरे होगा और दोबारा फिर डॉक्टर एक्सरे करके देखेगा कि कितना फ्रैक्चर हुआ है कितना नहीं, फिर उसके बाद ये डिसाइड करेंगे ये कितनी देर तक प्लास्टर लगना है। और बीच बीच में ये इसको थोड़ी इचिंग होनी शुरू हो जाती है क्योंकि बच्चा है और प्लास्टर इतनी कसिक के बना होता है तो पूरी बाजू पे इचिंग होनी शुरू हो जाती है। बट यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे पूरी दवाई दवुई भी नहीं देते, क्योंकि अगर बच्चे को पेन हो रही है या कोई इचिंग हो रही है तो उसकी कोई भी दवाई नहीं देते यहाँ पे, मेडिकेशन उसको बोलते हैं, बस ओवर द काउंटर आप बेनाड्रिल ले लो या फिर पेन के लिए आप टाइनॉल ले लो, और कुछ भी नहीं देते। तो जब भी मैं सारस को मिलने आता हूँ, इसको बाइक पे घूमने का बहुत शौक होता है कि इसको होता है कि मुझे गेड़ी दबाओ, बट अभी सिंस इसकी बाजू थोड़ी सी ऐसे हुई हुई है, थोड़ा दबाव आ गया, फ्रैक्चर आ गया, तो इसलिए आज हम इसको गेड़ी नहीं दबाएंगे। तो अभी भी देख लो चढ़ के बैठ गया और बोल रहा है कि मुझे गेड़ी दो, अभी हम इसको गेड़ी नहीं देंगे, अभी हम इसको ऐसे ऊपर ले जाएंगे। और वो देखो डोगी भी आ गया उधर से, सारस को जानता है, सारस तेरा फ्रेंड है वो। ओके तो अभी हम ऊपर जाएंगे, थोड़ी चाय चूह पियेंगे और फिर घर की तरफ निकलते हैं। तो सारस से हम मिलाए, ठीक है अभी, और थोड़ा उछल कूद ज़्यादा करता है तो ऐसे हो गया, बट कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा धीरे धीरे करके, अभी हफ्ते में फिर से जाएगा और चेक वगैरह करके आएगा, हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसके बाद पता चलेगा। बाकी कास्ट तो अभी जो लगा हुआ प्लास्टर सा, यहाँ पे कास्ट बोलते हैं, तो वो जो लगा हुआ है वो अबाउट 3-4 हफ्ते ऐसे लगा रहेगा। बच्चा तो ख़ारिश वगैरह आती है बट कोई बात नहीं, अब पंगे लेने से हटते नहीं हैं, साइकिल वगैरह चला रहा था तो गिर गया, चलो अब क्या कह सकते हैं। और मौसम बहुत बढ़िया हुआ हुआ है, शाम का टाइम है, टाइम कुछ हो गया 6:30, तो हवा चल रही है ठंडी ठंडी, धूप कम हो गई है, आज मौसम बढ़िया था, ज़्यादा ह्यूमिड नहीं थी, बट कल 90s में पहुंच जाएगा तो ज़्यादा ह्यूमिड हो जाएगी, और कोई बात नहीं, कल की कल देखेंगे, आज का जी एंजॉय करते हैं। तो पिकअप लगाना और उठाना बहुत बढ़िया लगता है, एक बार थोड़ा सा स्टॉप साइन पर रुको और थोड़ा सा धीरे होके और एकदम से स्पीड उठाना, मज़ा आ जाता है, एक पूरी पावर सी आती है, सुपर पावर आ जाती है। बट देखो रिवर पे भी, मेरे लेफ्ट में जो रिवर है उस पे भी लोग आए हुए हैं घूमने के लिए, बहुत लोग आ जाते हैं, और यहाँ पे राइट में लोग गोल्फ वगैरह खेल रहे हैं। अभी मैं मिलता हूँ आप लोगों को घर जाके। ओके गाइस, तो घर पे मैं आ गया हूँ, बट आज के ब्लॉग को बस यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको आज की ब्लॉग अच्छी लगी तो मेरे लाइक बटन जरूर दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, अगर कर लिया तो आगे से आगे शेयर करना, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, हैव अ गुड नाइट गाइस।